जयकारा पौनो हरि जी दा बोलो सच्चे दरबार की जयकारा दूता तारी जी दा बोलो सच्चे दरबार की। सो जिन्नी भी संगत बाबा जी दे चरणां दे विच बैठी है सारयां नूं बेनती है कि असीं जदों तक भी बाबा जी दे चरणां दे नाल जुड़ के बैठना है सानूं जदों तक भी समां मिलिया बाबा जी दे चरणां दे विच तन मन धन दे नाल हाजरियां भरनियां मिठे मिठे जयकारे लगा के मिठी मिठी ताड़ी वजा के। सो आओ एक छोटी जी होर हाजरी बहुत ही अच्छी आवाज के मालिक जिन्हों से बाबा जी की अपार कृपा है साक्षात मां सरस्वती जी जिन्हों के कंठ के विराजमान ने कि किसी को तखत देते हैं तो किसी को ताज देते हैं। मेरे बाबा जी पौना हारी दूधा तारी जी किसी को तखत देते हैं तो किसी को ताज देते हैं। जिस पर मेहरबान हो मेरे पौना हारी जी उसे जनाब सौरभ सैनी जैसी सुंदर आवाज देते हैं। और जिन्हां दे बारे में अक्सर दिलों कहा करता है कि वंजली दी हुक वर्गी ते कोयल दी कुक वर्गी के वंजली दी हुक वर्गी कोयल दी कुक वर्गी माखियों मिठी आवाज सुरां दे ताल दा मेल तुहाडियां ताड़ियां दे विचकार जनाब सौरभ सैनी जी। सच्चे दरबार की एक बार दोनों हाथ ऊपर खड़े करके जयकारा लगा दो बोलो सच्चे दरबार की दरबार की। सो इसे तरह बाबा जी के चरणों के हाजरियां बनिया जी। सो आओ दरबार के
हिंदू धर्म के अनुसार कोई भी शुभ कार्य किया जाए तो सब तो पहला गणेश वंदना गणेश आराधना लेके हाजिर हो रहे हैं। बहुत ही अच्छी आवाज के मालिक जनाब सौरभ सैनी जी। जे करा पौना हरि जी दा बोल सच्चे दरबार की जय। जे करा माता रत्न दे लाल दा बोल सच्चे दरबार की जय। जे करा श्री भोले भंडारी जी दा बोल सच्चे दरबार की। जे करा पंजाबी ना दा बोल सच्चे दरबार की। सो बाबा जी दे दरबार विच आई हुई सारी संगत नूं मेरे वल्लों जय बाबा जी दी जय माता दी जय पीरां दी। हले 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 सो जिन्नी भी संगत है कुछ संगत लंगर छक रही है कुछ लंगर छक के बैठ गए ने। सो मेरी मतामा भैन अगे बेनती है कि इथे आ जाओ सारा पंडाल तुहाडे लई है इथे आ जाओ। जयकारा पौना हरि जी दा बोलिए सच्चे दरबार की जय। सो इस चौकी दा आगाज करना है गणेश वंदना जी नाल। प्रथमे गुरां जी को वंदे ना प्रथमे गुरां जी को वंदे ना द्वितीये आदि गणेश तृतीये सिमरा मां शारदा मेरे कंठ में करो परिवेश पीपल पूजन में चली गुरु अपने के साथ पीपल पूजे हर मिले एक ही पंथ दे दो काज गुरु गूंगे गुरु मावरे सदा गुरां के रहिए दास जे गुरु भेजे नरक ता फिर स्वर्ग की रखिए आस।
सो जिन्नी भी संगत है सारिया ने मेरे नाल ताड़ी मार के साथ देना है। असी गा के साजा ने साज बजा के तुसी ताड़ी मार के इस चौंकी विच हाजरी भरनी है। सो जिन्नी भी संगत लंगर छक के आ रही है सारे बेनती है कि सारे ने दरबार दे विच बैठ जाना है, कीर्तन का आनंद मानना जी सारे ने, बाबा जी की चौंकी का आनंद मानना। जिन्नी संगत लंगर छक के आ रही है उन्होंने बेनती है कि भगत जना वालों बैठने का बहुत अच्छा प्रबंध किया गया है, सारे ने बैठ के चौंकी का आनंद मानना जी सारे ने, बाबा जी के चरणों के हाजरियां भरनिया जी। ओम गण गणपते नमः, ओम गण गणपते नमः। सो सारे ने रल के मेरे नाल साथ देना है, की कहना है, ओम गण गणपते नमः, ओम गण गणपते नमः। I got it.
कर पौना हरी जी दा बोलिए सचे दरबार की जय। जयकारा पौना हरी जी दा बोलो सचे दरबार की जय। सो जिन्नी भी संगत बाबा जी के चरणों के विच बैठी है सारे बेनती दोनों हाथ ऊपर खड़े करके जयकारा लगा दो। जयकारा पौना हरि जी का बोलो सच्चे दरबार की जय। जयकारा दूधा धारी जी का बोलो सच्चे दरबार की जय। सो गणपति गणेश महाराज जी के चरणों के हाजरी गुरु महाराज जी के चरणों के हाजरी हुई है। सियाने कहते कि जो गुरु अपने भुल जाता है वह तो हर मैदान में हार जाता है, कि जो गुरु अपने भुल जाता है वह तो हर मैदान में हार जाता है। सत पत्तना का हो भावे बंदा दारू ते वांग कच्चे घड़े दे खर जाता है, ते बेगुरन जगते कोई हो हंकारी विच हंकार दे मर जाता है। जड़ा गुरु अपने का दिलों सत्कार करता है वह तो डुबदा डुबदा भी तर जाता है, वह तो डुबदा डुबदा भी तर जाता। बोलो सच्चे दरबार की जय। जड़े भगत जन बाहर खड़े ने उन्होंने बेनती है कि आके दरबार बैठने की कृपालता करो, क्योंकि सेवादार वीर वालों बैठने का बहुत अच्छा प्रबंध किया गया। जड़े मेरे वीर पिछे बैठे उन्होंने बेनती है कि तुम भी अगे आ जाओ, साढ़े लागे लागे आ जाओ। जड़े मेरे वीर पिछे बैठे ने उन्होंने बेनती है भगत जनों की आ जाओ अगे आ जाओ। सो आओ दरबार उस तरह हाजरिया उवाज उवाज वाले जनाब सौरव सैनी जी। हेलो हेलो जयकारा पौना हरि जी दा बोल सचे दरबार की जय। सो मैं पहला भी किया सी कि असी ते अपनी हाजरी गा के लगा लेनी है, लेकिन थोड़ी हाजरी लगनी जरूरी है। जयकारे लगा के ताड़ियां मार के तुसी हाजरी लगानी है। सो गणेश वंदना कीती है ते हुण इक बाबा जी दा भगत जिस तरह साडे माता कवलजीत कौर जी, बाबा तरलोचन सिंह जी, सुखविंदर फौजी जी, इन्हां ते बाबा जी दी अपार कृपा होई है। साडे पम्मी भाजी इन्हां ते भी बाबा जी दी बहुत कृपा होई है। सो सुनण वाले कुछ कहिंदे ने कि इह किवें होया किदां होया, लेकिन उह बाबा जी दा भगत डोलदा नहीं ते कुछ कहिंदा है। बाबा जी का भगत कहता है मैं कुछ भी नहीं मैनू चरनी लगाया बाबे ने, इस दुनिया तो तुर चलिया सी, इस दुनिया तो तुर चलिया सी, बाहों फड़ बिठाया बाबे ने। की कहता है मैं कुछ भी नहीं मैनू चरनी लगाया बाबे ने, जय।
ਮੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਨੇ ਆ ਮੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਨੇ ਹਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਗਤੋ ਜੈ ਬਾਬੇ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਓ ਜੈ ਬਾਬੇ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੈ ਬਾਬੇ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਹੋਣੀ ਪਿੰਡ ਪੱਟੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸੋਣੀ ਪੱਟੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸਵਰਗ ਦਿਖਾਇਆ ਬਾਬੇ ਨੇ ਜੈ ਹੋ ਜੈ ਹੋ ਮੈਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਚਰਨੀ ਲਗਾਇਆ अरदासा करा के गए ने बाबा जी अपने बच्चों के मेहर भरिया हाथ रखन जिन्ना खजाने दे विचों माया आई है खजाने भरपूर करन होर भी बहुत सारिया गुप्त अरदासा गुप्त दान महाकल्याण बाबा जी आप जानी जान जिन्ना खजाने दे विचों माया आई है खजाने भरपूर करन बोलो सच्चे दरबार की जय दोनों हाथ ऊपर खड़े करके जयकारा लगा दियो कि हे पौना हारिया एक तू ना करे ते दूजा करे केड़ा हे मेरे बाबा जी पौना हारी दूधा धारी जी कि एक तू ना करे ते दूजा करे केड़ा ते मेरिया सबे जरूरतां पूरियां नू लोकी तकदे ऐब ते गुनाह मेरे ते मैं तकदा रहमता तेरियां नू ते मैं तकदा रहमता तेरियां नू बोलो सच्चे दरबार की जय दरबार की जय सो एक बारी फिर तो साडे वल्लों साडी भजन मंडली वल्लों दरबार दे सेवादार बाबा त्रिलोचन सिंह जी और माता कमलजीत कौर जी और साडे बहुत ही रिस्पेक्टेड वीर सेवादार सुखविंदर सिंह फौजी जी इन्हां सारे नूं ही अज दे इस मेले दियां लंगर दियां लख लख मुबारक लख लख वधाइयां क्योंकि किसे शायर ने लिखा है कि चढ़िया धरती ते चन ऐसा जिसकी सारे जग विच रोशनाई होवे कि चढ़िया धरती ते चन ऐसा जिसकी सारे जग विच रोशनाई होवे उहदी सिफत जहान की कर सकदा ते जिहदी पौणा हारी ने सिफत बनाई होवे सदा खुशियां दे मेले इत्थे रहण लगदे सदा खुशियां दे मेले इत्थे रहण लगदे महिमा हर थां धूण सवाई होवे सो अज दे इस मेले दियां साडे वल्लों साडे ग्रुप वल्लों जानी सोहण लाल सैनी म्यूजिकल ग्रुप वल्लों दरबार दे सेवादार और आईयां होईयां सारियां संगतां नूं लख लख वधाई होवे लख लख वधाई होवे सो आओ दरबार दे विच उस तरह हाजरियां ओही आवाज ओही अंदाज दे मालिक जनाब सौरव सैनी जी सैनी जी सैनी सो हुण बाबा जी दे मंदर दी सिफत करनी है जिस तरह शाह तलाइयां विच मंदर ते है लेकिन इस लंगर विच भी बाबा जी दा सुंदर पावन मंदर सजाया है भवन बनाया है सो इस मंदर दी सिफत करनी है ते मंदर दे सेवादारां दी सिफत करनी है एक बाबा जी दा भगत जेड़ा कि बाबा जी दे मंदर जांदा है रोज बाबा जी दे मंदर जांदा है ते कुछ देखदा है की कहिंदा है मंदिर में मैं तो रोज आऊं सिद्धि जोगी के दीदार पाऊं मंदिर में मैं तो रोज आऊं सिद्धि जोगी के दीदार पाऊं मंदिर में मैं तो रोज आऊं सिद्धि जोगी
Yeah.
बदल गई तकदीर जा इश्क च रांझा नचिया गल विच पाटियां लीरां ओ करमजीतपुरी जा इश्क च बुल्ला नचिया जज नचना मस्त फकीर जज नचना मस्त फकीर बोलो सच्चे दरबार की आओ उसे तरह दरबार दे उही आवाज उही अंदाज दे मालिक जनाब सरब सैनी जी सो जिस तरह अज बाबा जी का लंगर लगा है पूरे महीने लिए बाबा जी का लंगर लगा है तो कई दिलों की आवाज है कि बाबा जी असी भी तेरे नाँ के लंगर लगाइए सानू इन्ना क दे सो इसी तरह का एक भेट हेलो हेलो तेरे नाँ दे लंगर लगाउंदे रहिए जोगिया सानू ऐना कही दई जा सो किना किना ने दिल दी आवाज है हथ खड़ी करके सारे नाच के हाजिर लगवानी है तेरे नाँ दे लंगर लगाउंदे रहिए जोगिया शुक्र मनाते रहिए जोगिया ना कही नहीं जा
ਜਿਹੜੀ ਕਰਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸੈਣੀ ਉਹ ਜਲਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕਰਦਾ ਮੇਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੀਏ ਜੋ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਕਹੀ ਦਈਆ ਤੇਰੇ ਨਾਂ ਦੇ ਲੰਗਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਰਹੀਏ ਜੋ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਕਹੀ ਦਈਆ ਤੇਰੇ ਨਾਂ ਦੇ ਲੰਗਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਰਹੀਏ ਜੋ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਕਹੀ ਦਈਆ ਖੇਡ ਬੋਰਡ ਤੇ ਫੜ ਕੇ
सच दरबार की जय। वाह जी वाह क्या बात है। एक बार जड़े वीर ने नाच के दरबार से हाजरी भरी उन्होंने लिए जोरदार ताड़ी मार दो। और एक बार तुसी सारे ने अपने लिए ताड़ी मारी है जी। एक बार ताड़ी मारनी साडे मजीशियन वीर बड़े अच्छे तरीके दरबार हाजरी भर ने। एक बार ताड़ी मारनी है जी पम्मी लाइट सौण के लिए जो कि बड़ी ही खूबसूरती आवाज तक पहुंचा रहे। जोरदार ताड़ी मार दो जी। जयकारा पौना हरी जी का बोलो सच्चे दरबार की जय। जयकारा तू दा हरी जी का बोलो सच्चे दरबार की जय। सो सेवादार वीर बेनती है कि मजीशियन वीर थोड़ा थोड़ा पानी जरा स्टेज पर जरूर पहुंचा दे जी। सो जड़े मेरे वीर ने मेरिया भैन ने नच के दरबार से हाजरी नहीं भरी उन्होंने भी बेनती है कि तुम भी आ जाओ क्योंकि सियाने कहते नचना भी इबादत बन जाता है जेकर नचने का ढंग हो। नचना भी इबादत बन जाता है जेकर नचने का ढंग हो। रंग उस उत्ते चढ़ता है जरा गुरु का रंगिया रंग हो। बोलो सच्चे दरबार की जय। दरबार की जय। सो आओ दरबार सो दो पेटा दे नाल जिन्नी भी संगत दरबार दे विच लंगर छक रही है सारे नूं बेनती है कि लंगर छक के आके दरबार दे विच बैठ जाना हाजरियां भरनियां। और मैं बेनती करांगा जी साडे वड्डे भाजी सुखविंदर सिंह फौजी साहब उन्होंने बेनती करांगे जी कि वह भी दरबार दे विच आ जाओ। सो दो भजन दो पेटा मेरे वीर जतेंद्र गोल्डी जी उस तो बाद सोहन लाल सैनी जी जो कि जिन्हों का सारे बड़ी बेसबरी के नाल इंतजार है सारे उन्होंने भजन भेटा सुनने वास्ते बेताब बैठे ने। सो उन्हां तो पहला दरबार दे विच हाजरी भरन जा रहे ने बहुत ही अच्छी आवाज दे मालिक कि जिन्हां नूं गुड़ती मिली है गुरबाणियां विचों राग मिले ने पंजा पाणियां विचों कि जिन्हां नूं गुड़ती मिली है गुरबाणियां विचों राग मिले ने पंजा पाणियां विचों तुहाडे अपने जाणियां पहचाणियां दे विचों जनाब जतिंदर गोल्डी जी। हेलो हेलो जयकारा गुफा विच रहण वाले बाबा जी दा बोल सच्चे दरबार की जय। जयकारा अपने अपने गुरु महाराज जी दा बोल सच्चे दरबार की जय। सब तो पहला तुहानू सारिआं नूं ही बाबा जी दे चेत महीने दीआं लख लख मुबारकां। जिन्नी भी संगत बाबा जी दे दरबार ते हाजरी भर रही है बाबा जी सब दियां आसां मुरादां पूरियां करन सब दियां झोलियां खुशियां दे नाल भर के घरां नूं तोरन। सो आओ रल के हाजरी लगाइए उन्हां भगतां दे लई इह बोल कहण जा रहे जिहड़े भगत मौजां माणदे ने बाबा जी दा जिन्हां ने लड़ फड़िया है पल्ला फड़िया है जिन्हां ने दोरां बाबा जी ते सुट्टियां ने वह हमेशा मौजां माणदे ने। की लिखिया है कि जदों दा तेरा पल्ला फड़िया हो गए मालो माल जोगियां मौजां ने मौजां कर दे लाल। सो बहुत अच्छा साडा मजीशियन परिवार बाबा जी चढ़दी कला विच रखण बहुत अच्छी सौंग साडे पम्मी अंकल जी बहुत आशीर्वाद है उन्हां दा। सो आओ रल के हाजरी भरिए मेरे जो दरबार में
देना की कहना जो जुदा तेरा पल्ला फड़िया जिड़ी भक्त ने बाबा जी का पल्ला फड़िया दो में हाथ की हाजरी
सच्चे दरबार की जय। वाह जी वाह, क्या बात है जी। दोनों हाथ ऊपर खड़े करके जयकारा लगा दो। जयकारा पाओ हरि दा बोलो सच्चे दरबार की जय। क्योंकि तुसी बड़े कर्मा वाले हो, बड़े भागा वाले हो, जो बाबा जी दे चरणा दे नाल जुड़ के बैठे हो। वरना ऐसे भी बेमुकद्दरे लोग आया करते ने जो बाबा जी दे चरणा चाउणा तां चाहुंदे ने पर वो आ नहीं सकते। इन्हां दे बारे गुरु दे शायर ने लिखा है कि अपने दर पे किसी को बुलाना ये भी शामिल है तेरी रजा में, कि अपने दर पे किसी को बुलाना ये भी शामिल है तेरी रजा में। तेरा जलवा मुयस्सर किसी को और किसी को मुयस्सर नहीं है। जू तो जमाने में दर है लाखों लेकिन तेरे दर सा एक नहीं है। सो बोलो सच्चे दरबार की जयकारा पुण हरि जी दा बोलो सच्चे दरबार की जयकारा दूता हरि जी दा बोलो सच्चे दरबार की जय। सो सेवादार वीर ने बेनती की थी कि मजिशियन वीर ने थोड़ा थोड़ा पानी जरूर पिया दे जी। सो आओ एक हाजरी और लेके हाजिर वही आवाज वही अंदाज दे मालिक जनाब जतिंदर गोल्डी गोल्डी। असी हां पुजारी सिद्ध जोगी दे दरबार दे किसे भी मैदान विच आपां नहीं हारदे। जिहड़े पौणा हरि दे पुजारी ने पौणा हरि दे सेवक ने ओ कदे किसे मैदान दे विच हारदे नहीं ते ना ही साडी पौणा हरि सरकार किसे नूं हारन दिंदी। एक हाजरी उस तों बाद साडे उस्ताद जी जनाब सोहन लाल जी सैणी। So, आओ पौणा हरि दे दरबार दे जिहड़े पुजारी है की कहिंदे ने। असी हां पुजारी सिद्ध जोगी दे दरबारी दे असी हां भगत पौणा हरि सरकारी दे। हल्की हल्की ताड़ी दे नाल बाबा जी दे भगत जेड़े भगत ने एक बारी हाथ खड़े कर दे जरा। हां जी की कहना हल्की हल्की ताड़ी दे नाल। असी हम पुजारी सिद्ध जोगी दे दरबार दे 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 किसे भी मैदान विच आपा नहीं ओ हार दे भी मैदान विच आपा नहीं ओ हार दे किसे भी मैदान विच आपा नहीं ओ हार दे भी मैदान विच आपा नहीं ओ हार दे असी हम पुजारी सिद्ध जोगी दे दरबार दे बाबा जी ने उन्नी तो साड़ी औकात नहीं सी जिन्ना
ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਪੁਜਾਰੀ ਸਿੱਧੀ ਜੋਗੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਭਗਤ ਪੌਣਾ ਹਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਪੁਜਾਰੀ ਸਿੱਧੀ ਜੋਗੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਪੁਜਾਰੀ ਸਿੱਧੀ ਜੋਗੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਪੁਜਾਰੀ ਸਿੱਧੀ ਜੋਗੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਬੋਲ ਸੱਚੇ ਦਰਬਾਰ ਕੀ ਜੈ ਰੁੱਸੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਮਨਾਈਏ ਨਾ ਵਿਛੋੜਾ ਪੈਂਦਿਆਂ ਪੈਂਦਿਆਂ ਤੈ ਜਾਂਦਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਚੁਗਲਖੋਰ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਰੋਕ ਲਈਏ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਗਲੀ ਚ ਹਰ ਮੁਹੱਲੇ ਚ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਚੁਗਲਖੋਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਇਧਰੋਂ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਸੁਣੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਪੰਜ ਜਾਂ ਸੱਤ ਸੁਣਾਉਣੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਟਣਾ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜਦ ਤੱਕ ਲੜਾਈ ਨਾ ਲੱਗ ਜੇ ਜਫੋ ਜਫੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ ਘਸੂਨਾ ਘਸੂਨੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਜਦੋਂ ਲੜਾਈ ਲੱਗਣੀ ਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਛਡਾ ਜਾਏਗਾ ਛੱਡੋ ਛੱਡੋ ਯਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਐਵੇਂ ਲੜੀ ਜਾਂਦੇ ਸੋ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੱਚੇ ਕੋਠੇ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਲਿਪੀਏ ਨਾ ਫਿਰ ਢੈਂਦੀਆਂ ਢੈਂਦੀਆਂ ਟਹਿ ਜਾਂਦਾ ਰੁੱਸੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਮਨਾਈਏ ਨਾ ਵਿਛੋੜਾ ਪੈਂਦੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਟਹਿ ਜਾਂਦਾ ਚੁਗਲਖੋਰ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਰੋਕ ਲਈਏ ਫੇਰ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਕਹਿ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੂਰ ਰਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਬਾਬਾ ਪੌਣਾ ਹਰੀ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੋਂ ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਪੱਠਾ ਪੈਂਦੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਪੱਠਾ ਫਿਰ ਪੈਂਦੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਬੋਲੋ ਸੱਚੇ ਦਰਬਾਰ ਕੀ ਦੋਨੋਂ ਹੱਥ ਫੜ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਜਕਾਰੇ ਲਗਾ ਦੇ ਜੀ ਬੋਲੋ ਸੱਚੇ ਦਰਬਾਰ ਕੀ ਦਰਬਾਰ ਕੀ ਸੋ ਆਓ ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਸ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦੇਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਕਰਾਂ ਸੋ ਆਓ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰੇ ਭਗਤ ਜਨਾਬ ਸੋਹਣ ਲਾਲ ਸੈਣੀ ਜੀ ਮਿੱਠੀ ਮਿੱਠੀ ਤਾੜੀ ਮਾਰ ਕੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜੀ ਬੋਲੋ ਸੱਚੇ ਦਰਬਾਰ ਕੀ ਸੋ ਆਓ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਨਾਬ ਸੋਹਣ ਲਾਲ ਸੈਣੀ ਜੀ ਜੈਕਾਰਾ ਪਾਉਣਾ ਹਰੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਬੋਲੀਏ ਸੱਚੇ ਦਰਬਾਰ ਕੀ ਜੈ
जयकारा सुंदर गुफा विच रहने वाले बाबा जी दा बोलिए साचे दरबार की जय। जयकारा शिव भोले भंडारी जी दा बोलिए साचे दरबार की जय। जयकारा मां शेरवाली जी दा बोलिए साचे दरबार की जय। जयकारा पंजा पीरा दा बोलिए साचे दरबार की जय। जयकारा मस्त फकीरा दा बोलिए साचे दरबार की जय। जयकारा गुरु वाल विशाल नाथ जी दा बोले साचे दरबार की जय। जयकारा सुरों दी देवी मां सरस्वती जी दा बोले साचे दरबार की जय। जयकारा श्री गणपति गणेश महाराज जी दा बोले साचे दरबार की जय। जयकारा भैरव महावीर दा बोले साचे दरबार की जय। जयकारा शनि देव दा बोले साचे दरबार की जय। जयकारा मां लक्ष्मी देवी जी दा बोले साचे दरबार की जय। जयकारा राजा भर्तृहरि जी दा बोले साचे दरबार की जय। जयकारा माई रत्नो जी दा बोले साचे दरबार की जय। जयकारा गुरु गोरखनाथ जी दा बोले साचे दरबार की जय। जयकारा गुरु दत्तात्रेय जी दा बोले साचे दरबार की जय। जयकारा पिता विष्णु ब्राह्मण जी दा बोले साचे दरबार की जय। जयकारा मां लक्ष्मी देवी जी दा बोले साचे दरबार की जय। जयकारा पंडित बनारसी दास जी दा बोले साचे दरबार की जय। जयकारा मेरे पौना हरि बाबा जी दा बोले साचे दरबार की जय। तो सब तो पहला जिन्ने भी संत बाबा दे दरबार ते आई है सारे संत नु साडे वल्लों जय बाबा जी दी अते बाबा जी दे मेले दी लख लख बधाई। भगजनो बाबा जी का दरबार एक एहो जिहा पावन दरबार है जिथे के हर एक इंसान की मनोकामना पूरी होती है। मेरे पौना हारी दुधा तारी गुफा दे वासी गट गट के अंदर जामे दुध वाले नूं दुध अते पुत वाले नूं पुत बख्शदे ने। जिहड़े भगजन सच्ची नेचा नाल सच्ची शरदा नाल बाबा जी नूं मंनदे ने बाबा जी उहनां भगतां दे हत्थ सरों चुबा के रख दिंदे ने। भगजनो सच्ची नेचा नाल सच्ची शरदा नाल बाबा जी दा जाप करो। ये जो लंगर चल रहा है बाबा जी पार कृपा नाल बाबा तरलोचन सिंह जी के आशीर्वाद नाल माता कवलजीत कौर जी के आशीर्वाद नाल साडे सेवादार भगत सुखविंदर फौजी जी जिहड़े कि दिन रात लंगर विच सेवा कर रहे हैं। असीं बाबा जी अगे बेनती करनी है कि बाबा जी इन्हां दी गुरगद्दी नूं भाग लाई रखना तंदरुस्तियां बख्शणियां अगे तो होर भी वधिया उपराले करन बाबा जी दे। ये जो सत्संग होंदा रोज शाम नूं चौंकी लगदी है इन्हां दी कृपा सदका ही होंदी। साडे माता कमलजीत कौर जी साडे दरम्यान पहुंच चुके हैं। भगजनो असीं जिस वेले मैं इन्हां नूं देखदा माता जी नूं ते मैनूं माता रत्नो दा रूप दिखाई दिंदा है क्योंकि इहो जिहा चेहरा नूरानी चेहरा जिस तरह असीं माता रत्नो नूं देखदे हां उस तरह साडी माता कमलजीत कौर जिन्नी वार भी मैं देखता मैं उन्होंने झलक दिसदी है। तो एक बार ताड़िया मारो साडी माता जी के नाम से। सो आओ अज असीं इस जगह पर बाबा जी को बुलाना है। साडी सब तो पहला भेट रिकॉर्ड हुई सी बेमन मौने बालक नाथा केड़े वेले आवेगा उस दिन चंद लैना थोड़े रूप करनी है उस तो बाद लगातार थोड़ी सेवा में हाजिरी पानी है। सो आओ आ जाओ बाबा जी। बाबा जी गुफा विच बैठे अपने बच्चों नूं देख रहे जिन्नी भी संगत बाबा जी दरबार ते जा रही है या मत्था टेक के आ रही है सारी संगत नूं साडे वल्लों बेनती है कि लंगर छक के जाना लंगर खाधे तो बगैर किसी ने नहीं जाना। लंगर छक के बाबा की चौंकी विच बैठना है चौंकी सुन के जाना है। 10:30-11 बजे तक बाबा की चौंकी होनी है। सारे भक्तों की बेनती है कि बड़े प्यार सत्कार नाल बाबा की चौंकी विच बैठना है। बड़े कर्मा भागा वाले लोग होंगे ने जिहड़े बाबा जी सत्संग सुनते हैं बाबा की चौंकी सुनते। आ जाओ बाबा जी हम तुम्हें याद करते हैं तेरे चरणों में बाबा जी जोत जगा कर बस यही फरियाद करते तेरे चरणों में
बाबा जी जोत जगा कर बस जही फरियाद करते तो भगजन की फरियाद करते हैं सारी संगत ताड़ी मार के की कहना है मन मोने बालक नाथा केड़े वेले आवेगा 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 केड़े वेले आवेगा सानू दर्श दिखावेगा केड़े वेले आवेगा सानू दर्श दिखावेगा केड़े वेले आवेगा तू सानू दर्श दिखावेगा केड़े वेले आवेगा तू सानू दर्श दिखावेगा मन मोने मन मोने मन मोने तेरा बिच गुफा दे वासा केड़े वेले आवेगा तेरा बिच गुफा दे वासा केड़े वेले आवेगा तेरा शात लाइया वासा केड़े वेले आवेगा तेरा शात लाइया वासा केड़े वेले आवेगा बे मन मोड़े बालक नाथा केड़े वेले आवेगा मन मोड़े बालक नाथा केड़े वेले आवेगा जोत पागे ताज गाइए तेरे नाम वाली जोत पागे ताज गाइए सोना मंदिर बनाया मूर्ति सजाइए सोना मंदिर बनाया मूर्ति सजाइए तेरे नाम वाली जोत पागे ताज गाइए सोना मंदिर बनाया मूर्ति सजाइए सोना मंदिर बनाया मूर्ति सजाइए बेमन मोड़िया बेमन मोड़िया बेमन मोड़िया बेमन नाथा केड़े वेले आवेगा तेरा बिच गुफा दे वासा केड़े वेले आवेगा केड़े वेले आवेगा तू सानू दर्श दिखावेगा मन मोने बालक नाथा केड़े वेले आवेगा मन मोने बालक नाथा केड़े वेले आवेगा के गुफानू अज आना पैना है संगत हाथ जोड़ के बैठी दर्श दिखाना पैना है जोगी छड़ के गुफानू अज आना पैना है संगत हाथ जोड़ के बैठी दर्श दिखाना पैना है संगत हाथ जोड़ के बैठी दर्श दिखाना पैना है बेमन मोड़े बेमन मोड़े बेमन मोड़े बेमन मोड़े बेमन बालक नाथा केड़े वेले आवेगा मोड़े बालक नाथा केड़े वेले आवेगा मोड़े बालक नाथा केड़े वेले आवेगा केड़े वेले आवेगा तू सानू दर्श दिखावेगा 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 मोड़े बालक नाथा केड़े वेले आवेगा बोलिए साचे दरबार की वधिया लगा ताड़िया मारो बाबा जी नाम एक बार पगजनो जेडे पग सच्ची नेचर नाल सच्ची श्रद्धा नाल बाबा जी नूं याद करते हैं बाबा जी उन्होंने पकार सुन के जरूर आते हैं सिर्फ श्रद्धा होनी चाहिए नेचा होनी चाहिए है भगजनों बोलो जकारा पौना हरि बाबा जी का सच्चे दरबार की जय पम्मी भाजी माड़ा जहा मेन मैक मेरा भी बोल दे थोड़ी जी बोलिए सच्चे दरबार की जय बाबा जी के सच्चे प्यार की जय
जिन्नी भी संगत बाबा जी दरबार से आई है असीं बाबा जी अगे बेनती करनी अरदास करनी दंडौत करनी है कि बाबा जी अज तेरे दरबार तो कोई खाली नहीं जाना चाहिए बाबा जी हर एक की मनोकामना पूरी होनी चाहिए सो भगजनों भैन जी जरा गल्लां नहीं करनियां बेटा ध्यान करके बैठो थोड़ा जिहा चौकी च गल्लां तां रोज करनियां हैं मैं गल कर लगी कई लोग कहते हैं कि बाबा जी औरतों का नफरत करते हैं नहीं भगत जनों बाबा जी औरतों का नफरत नहीं करते जिस बालक ने माता लक्ष्मी की कुखों जन्म लिया हो भला औरतों का नफरत किवें कर सकता है जिस बालक ने माता रतनों के घर 12 साल गुजारे हो उसकी गोद में बैठ के तो वह भला औरतों का नफरत किवें कर सकता है भगत जनों बाबा जी औरतों का नफरत नहीं करते औरतों समा ज्यादा श्रद्धा रखती है ज्यादा प्यार रखती है इसे तरह की साड़ी एक भैन है जिहड़ी कि बाबा जी नाल बहुत प्यार करती है जिस तरह साड़े माता कवल जी कौर जी इन्होंने अपना तन मन धन सब कुछ बाबा के चरणों च अर्पण किया है साक्षात बाबा जी के दर्शन होंगे इन्हों तो वह भैन है बाबा जी के दरबार से जाके बाबा जी नाल गल्लां कर रही है की कहती है जरा ध्यान देना जोगिया सुनहरी जटा वाले मैं तेरी नौकर हो गई हैं केड़े केड़े भगत नौकर है बाबा जी हाथ खड़े करो जे बाबा जी मानते हैं सारे नौकर है तू भैन की कह रही है पौड़ा हारिया तेरे दरबार उत्ते पौड़ा हारिया पौड़ा हारिया तेरे दरबार उत्ते बड़ी दूरों मैं चल के आई हुई हां चोली वाले चोली बिच खैर पा दे चोली वाले चोली वाले चोली बिच खैर पा दे तेरे अगे चोली असाने फैलाई हुई बाबा जी तेरे अगे चोली असाने फैलाई हुई सो भैन की कर रही है हाँ जी जोगी सुनहरी जटा वाले मैं तेरी नौकर हो गई जोगिया सुनहरी जटा वाले मैं तेरी कमली हो गई जोगिया सुनहरी जटा वाले मैं तेरी कमली हो गई चरना दे नाल लाल है चरना दे नाल लाल है मैं दर तेरे आण खलो गई जोगिया सुनहरी जटा वाले मैं तेरी नौकर हो गई सुनहरी जटा वाले मैं तेरी कमली हो गई हो गई सुनहरी जटा वाले मैं तेरी नौकर हो गई चरना दे नाले लाल है चरना दे नाले लाल है मैं तेरे आण खलो गई हो गई हो गई हो गई छट देनी मैं दर्दी छड़ना तेरा रतनों लोहारी मांगू बाबा जी मान रख ले ओ मेरा सारी दुनिया छट देनी मैं दर्दी छड़ना तेरा रतनों लोहारी मांगू बाबा जी मान रख ले ओ मेरा मान रख ले ओ मेरा मान रख ले ओ मेरा खैर झोली बिच पा दे खैर झोली बिच पा दे बड़िया देरा हो गई सुनहरी जटा वाले मैं तेरी नौकर हो गई हो गई सुनहरी जटा वाले मैं तेरी कमली हो गई हो गई सुनहरी जटा वाले मैं तेरी नौकर हो गई Yeah.
ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਚੜ ਜਾਵੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਚੜ ਜਾਵੇ ਜੋਗੀਆ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਚੜ ਜਾਵੇ ਜਿੱਥੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੂੰ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਮੈਨੂੰ ਆਵੇ ਤੂੰ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਮੈਨੂੰ ਆਵੇ ਤੂੰ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਮੈਨੂੰ ਆਵੇ ਨਾਮ ਤੇਰੇ ਦੀ ਰੰਗਤ ਜੋਗੀਆ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਚੜ ਜਾਵੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਚੜ ਜਾਵੇ ਜੋਗੀਆ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਚੜ ਜਾਵੇ ਜਿੱਥੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੂੰ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਮੈਨੂੰ ਆਵੇ ਤੂੰ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਮੈਨੂੰ ਆਵੇ ਤੂੰ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਮੈਨੂੰ ਆਵੇ ਨਿੱਤੋ ਰੋਟ ਚੜਾਉਂਦੇ ਨਿੱਤੋ ਜੋਤ ਜਗਾਉਂਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵਰਦਾਵਾ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵਰਦਾਵਾ ਜੋਗੀਆ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵਰਦਾਵਾ ਸੋਹਣੀ ਪੱਟੀ ਵਾਲੇ ਵਾਂਗੂ ਜੇ ਮੈਂ ਵੀ ਤਰ ਜਾਵਾਂ ਐਤਬਾਰ ਨੂੰ ਰੋਟ ਬਣਾ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵਰਦਾਵਾ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵਰਦਾਵਾ ਜੋਗੀਆ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵਰਦਾਵਾ ਸੋਹਣੀ ਪੱਟੀ ਵਾਲੇ ਵਾਂਗੂ ਜੇ ਮੈਂ ਵੀ ਤਰ ਜਾਵਾਂ ਜੇ ਮੈਂ ਵੀ ਤਰ ਜਾਵਾਂ ਜੇ ਮੈਂ ਵੀ ਤਰ ਜਾਵਾਂ ਖੈਰ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇ ਖੈਰ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇ ਬੜੀਆਂ ਦੇਰਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਾਚੇ ਦਰਬਾਰ ਕੀ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰਦਿਆ ਕਰੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਮਾਨ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਜੈਕਾਰਾ ਪਾਉਣਾ ਹਰੀ ਜੀ ਦਾ ਬੋਲੋ ਸੱਚੇ ਦਰਬਾਰ ਕੀ ਦੋਨੋਂ ਹੱਥ ਉੱਪਰ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਜੈਕਾਰਾ ਲਗਾ ਦਿਓ ਬੋਲੋ ਸੱਚੇ ਦਰਬਾਰ ਕੀ ਦਰਬਾਰ ਕੀ ਦਰਬਾਰ ਕੀ ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪਹਾੜ ਉਦੋਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਖੁੱਲਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਲਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਕੰਢਿਆਂ ਦੇ ਖੇਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਪਹਾੜ ਉਦੋਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਖੁੱਲਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਲਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਕੰਢਿਆਂ ਦੇ ਖੇਂਦੀਆਂ ਨੇ ਗਿਰੀਆਂ ਉਦੋਂ ਬਦਾਮਾਂ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਸੱਟਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਰਹੀਏ ਪਿਛਾਂ ਦੇ ਕਸਰ ਨਾ ਮੂਲ ਖਾਈਏ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਦਾ ਕਿ ਰਹੀਏ ਪਿਛਾਂ ਦੇ ਕਸਰ ਨਾ ਮੂਲ ਖਾਈਏ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਕਦੋਂ ਫਿਰ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪਤਾ ਆਪਣੇ ਤੇ ਬਗਾਨਿਆਂ ਦਾ ਉਦੋਂ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਸਿਰ ਤੇ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਭਾਰੀ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਿਰ ਤੇ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਭਾਰੀ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਬੋਲੋ ਸੱਚੇ ਦਰਬਾਰ ਕੀ ਦੋਨੋਂ ਹੱਥ ਉੱਪਰ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਬੋਲੋ ਸੱਚੇ ਦਰਬਾਰ ਕੀ ਦਰਬਾਰ ਕੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੂਚਨਾ ਹੈ ਜੀ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੀ ਹੈ ਪੀਬੀ 010 HR 8128 ਪੀਬੀ 10 HR 8128 ਗੱਡੀ ਮੇਰੇ ਕਿਸੇ ਵੀਰ ਦੀ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਪਲੀਜ਼ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰ ਲਓ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਗੱਡੀ ਕੱਢਣੀ ਹੈ ਜੀ ਸੋ ਆਓ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਮੈਂ ਸੇਵਾਦਾਰ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪਾਣੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਭੇਜ ਦਿਓ ਜੀ ਸੋ ਆਓ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਉਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਮਾਲਕ ਜਨਾਬ ਸੋਹਣ ਲਾਲ ਸੈਣੀ ਜੀ ਸੁਪਾਗ ਜਨੋ ਇਹ ਸੀ ਸਾਡੇ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਪੇਰੇ ਮੰਗਾ ਮਾਹੀ ਜੀ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਕੁਰੇ ਨਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਾਡੇ ਬਾਬਾ ਦੇ ਭਗਤ ਵੀ ਨੇ ਔਰ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਪੇਰ ਵੀ ਔਰ ਸਿੰਗਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨੇ ਤੋ ਸਾਡੇ ਜੀਸ਼ਨ ਪਰਿਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਆਪ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰੋ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਾਡੇ ਸਾਜੀ ਸਹਿਬਾਨ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਂਗੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਰੱਕੀ ਬਖਸ਼ਣੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀਆਂ ਬਖਸ਼ਣੀਆਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚ ਵਾਧਾ ਪਾਉਣਾ ਸਾਡੇ 501 ਰੁਪਈਆ ਸਾਡੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਮਾਤਾ ਕਮਲ ਜੀ ਕੌਰ ਜੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਹੇ ਬਾਬਾ ਜੀ
तेरे बच्चों की अरदास तेरे शुभ चरणों के पास इन्हों की पूरी करना आस इन्हों का एक दो लख बना कमाई में वाधा पाना बाबा जी इन्हों बच्चों का कारोबार चला होर भी अनेक संत ने अरदासा कराई जे किसी ने अपना ना दस के अरदास करानी हो गई अपने घर की सुख वास्ते बच्चों की सुख वास्ते काम कार की सुख वास्ते अरदास करानी हो ना दस के करा सकता है क्योंकि बाबा जी का दरबार है अपना परिवार है भगजनो एक यही दरबार है जिथे कोई कोई जात पात का भेदभाव नहीं किया जाता ये बाबा जी ने कहा कि मेरे दरबार से जो भी आएगा वो जात पात का भेदभाव नहीं करेगा जिहड़ा भेदभाव करेगा उसको मेरे दर्शन नहीं होंगे उसकी मेहर नहीं होगी इसलिए कदे भी तुम देख रहे हो कोई संत एक लैंड में बैठ के सारिया लंगर छकदियां एक लैंड में खड़े होकर बाबा जी के दर्शन करदियां भगजनों इतने कोई भी जात पात का भेदभाव नहीं किया जाता बाबा जी दरबार से जकारा पाना हरि जी का बोल सच दरबार की जकारा दूजा धारी बाबा जी का बोल सच दरबार की तो असी नच के भी हाजरिया लगानी है तो फिर सुन सुनाने वाली गल कर बाबा की जीवनी बारे भी कुछ गल्ला करनी है हाँ जी हाँ जी सो सो बाबा जी के बच्चे बाबे के चरणों अरदास करते हैं साडा वीर घर की सुख शांति वास्ते अरदास करता है बाबा जी इन्होंने घर में सदा सुख बसाना मेरा दे वरदान देना गुरज्ञान देना कारोबार च वाधा पाना साडे वीर जी होर इधर अरदास करते हैं अपने बच्चों की पुलिस की भर्ती वास्ते बाबा जी मेरे प्रयात ने तंदुरुस्तियां बख्शनियां इन्हों भर्ती करवाना नाम जपाना सदा सदा सुख बसाना अच्छा मेरे बाबा जी कृपा करेंगे तंदुरुस्तियां बख्शेंगे जकारा पाना हरि जी का बोल सच दरबार की बैठ जाओ इस तरह बैठ के चौकी सुननी है उस तो बाद फिर आप नच के भी हारी लवानी है जकारा पाना हरि बाबा जी का बोल सच दरबार की सो भगजनो मैं गल कर लगा सी हाँ जी माता जकारा पौना हरि बाबा जी का बोल सच दरबार की करा दूदा तारी बाबा जी बोल सच दरबार की सो जिन्नी संगत पिछे बैठिया बेनती है कि मोहरे आके बैठ जाओ पंडाल विच मेरे वीर जिहड़े बैठे है अदगे आ जाओ कोई गल नहीं लाइव प्रोग्राम चल रहा है अगे आ जाओ मेरे भरा सारे जिहड़े आ मेरे वीर इधर भी बैठे है मोहरे आके पंडाल विच बैठो बहुत वधिया उपराला कीता गया है जिन्या भी संगत बाबा जी दर्शन वास्ते जा रही है दर्शन करके आ रही है सारिया संगत अगे बेनती है साडे माता कमलजीत कौर वालों के लंगर छक के जाना लंगर खाधे तो बगैर किसी ने नहीं जाना सारी संगत अगे बेनती है कि लंगर छक के जाओ बाबा जी सब दी मनोकामना पूरियां करनगे जकारा पाउणा हरि जी दा बोल सच्चे दरबार की जय जकारा दूधाधारी बाबा जी दा बोल सच्चे दरबार की जय भगजनो बाबा जी का एक भगत जिहड़ा कि हर ऐतवार बाबा जी के नाम के रोज प्रसाद बना के बढ़ता है कई लोग उसनों मजाका करते टिचरा करते हैं कहते लै बाबे का भगत बनिया फिरता नहीं भगजनो जे असीं किसी नूं चंगा नहीं कह सकते तो माड़ा भी नहीं कहना चाहिए कदे भी भुल के भुल नहीं करनी बाबा जी की शक्ति नूं मजाक नहीं करना बाबा जी के भगतां नूं मजाक नहीं करना क्योंकि बाबा जी नरम भी बहुत ने गर्म भी बहुत ने भगजनो सजे कि किसी कुछ कहते नहीं किसी के बर नहीं आते पर जे कोई शक्ति का मजाक उड़ावे बाबा जी के भगतों का मजाक उड़ावे तो बंदे का पुत बना के रख देंगे इस गल में याद रखियो जकारा पाउणा हरि जी का बोल सच्चे दरबार की जय कदे भी भुल के भुल नहीं करनी बाबा जी के भगतों को मजाक नहीं करना बाबा जी शक्ति को मजाक नहीं करना कदे किसी को पौण आई हो कदे हसना नहीं मजाक नहीं करना भगजनो क्योंकि ये ब्रह्मचारियों की गद्दी है मेरे पौना हरि दूधा तारी गुफा के वास भगत जेडे भगत बाबा जी मानते हैं दुनिया की परवाह नहीं करते चाहे लख लोग भौंकी जान जो मर्जी बोली जा पर किसी की परवाह नहीं करते
ਉਹ ਭਗਤ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬਾਬਾ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਸਿੰਘੀ ਪਾਈ ਮੈਂ ਗਲ ਵਿੱਚ ਤੇਰੀ ਦੁਨੀਆ ਕਰੇ ਮਖੌਲ ਬਥੇਰੀ ਰੱਖਦਾ ਲਾਜ ਤੂੰ ਹਰਦਾ ਮੇਰੀ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਮਨਾ ਲੈਣਾ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੇਰੇ ਰੋਟ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਦੁਨੀਆ ਕਰੇ ਮਖੌਲ ਰੱਖਦਾ ਲਾਜ ਤੂੰ ਹਰਦਾ ਮੇਰੀ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਮਨਾ ਲੈਂਦਾ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਰੋਟ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਰੋਟ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਰੋਟ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਸੱਚੀ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਰੋਟ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਮੈਂ ਤੋ ਪਹਿਲੇ ਆਰਤੀ ਗਾਵਾਂ ਖੜਕਣ ਕੱਲੀਆਂ ਛੱਤ ਬਜਾਵਾਂ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦਾ ਧੂਣਾ ਲਾ ਮੈਂ ਧੂਣੇ ਚ ਸਮਗਰੀ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਮਨਾ ਲੈਂਦਾ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੇਰੇ ਰੋਟ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੇਰੇ ਰੋਟ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੇਰੇ ਰੋਟ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਚੋਲੀ ਚਿਮਟਾ ਤੇ ਖੜਾਵਾਂ ਤੇਰੇ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਸਜਾਵਾਂ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦਾ ਧੂਣਾ ਲਾਵਾਂ ਮੈਂ ਧੂਣੇ ਚ ਸਮਗਰੀ ਪਾਵਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਮੂਰਤੀ ਨੂੰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਵਾਂ ਮੱਥੇ ਚੰਦਨ ਤਿਲਕ ਲਗਾਵਾਂ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਸਣ ਸਜਾਵਾਂ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦਾ ਧੂਣਾ ਲਾਵਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਮਨਾ ਲੈਂਦਾ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਰਤ ਮੈਂ ਰੱਖਾਂ ਪਲ ਪਲ
ਪੱਕੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾ ਲੈਣਾ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੇਰੇ ਰੋਡ ਬਣਾ 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 ਲੈਣਾ ਮੇਰੇ ਜੋਗੀ ਦਾ ਚਮਟਾ ਕਿੱਥੇ ਵੱਜਿਆ ਬਸ ਥੱਕ ਗਈਆਂ ਭੈਣਾਂ ਆ ਜਾਓ ਫਿਰ ਨੱਚ ਕੇ ਹਰੀ ਲਵਾਉਣੀ ਆ ਬਾਬੇ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਹੈ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਸੰਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਨੱਚ ਲਓ ਪੈਸੇ ਭਾਵਾਂ ਨਾ ਦਿਓ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਤੇ ਨੱਚ ਲਓ ਵੀਰਾਂ ਕੇ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨੱਚ ਕੇ ਹਾਰੀ ਲਵਾਉਣੀ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ ਲਵਾਓ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਸੱਜਿਆ ਮੇਰੇ ਬਾਬੇ ਦਾ ਚਮਟਾ ਕਿੱਥੇ ਵੱਜਿਆ ਮੇਰੇ ਜੋਗੀ ਦਾ ਚਮਟਾ ਕਿੱਥੇ ਵੱਜਿਆ ਓਏ ਚਮਟੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਚਮਟਾ ਕਿੱਥੇ ਵੱਜਿਆ ਲਹਿਰਾਂ ਬਹਿਰਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਬਹਿਰਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੱਜਿਆ ਲਹਿਰਾਂ ਬਹਿਰਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੱਜਿਆ ਮੇਰੇ ਬਾਬੇ ਦਾ ਚਮਟਾ ਕਿੱਥੇ ਵੱਜਿਆ ਮੇਰੇ ਜੋਗੀ ਦਾ ਚਮਟਾ ਕਿੱਥੇ ਵੱਜਿਆ ਵੱਜਿਆ ਬੋਲੀ ਲਾਈ ਲੱਸੀ ਰੋਟੀ ਕੱਢ ਕੇ ਖਾਈ ਮੇਰੇ ਬਾਬੇ ਦਾ ਚਮਟਾ ਆਉਣਾ ਹਾਰੀ ਦਾ ਚਮਟਾ ਮੇਰੇ ਜੋਗੀ ਦਾ ਚਮਟਾ ਕਿੱਥੇ ਵੱਜਿਆ ਮੇਰੇ ਬਾਬੇ ਦਾ ਚਮਟਾ ਕਿੱਥੇ ਵੱਜਿਆ ਲਹਿਰਾਂ ਬਹਿਰਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਬਹਿਰਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੱਜਿਆ ਮੇਰੇ ਬਾਬੇ ਦਾ ਚਮਟਾ ਕਿੱਥੇ ਵੱਜਿਆ ਚਮਟਾ ਜਿੱਥੇ ਵੱਜਿਆ ਨਾ ਕੋਈ ਖਾਲੀ ਛੱਡਿਆ ਚਮਟਾ ਜਿੱਥੇ ਵੱਜਿਆ ਨਾ ਕੋਈ ਖਾਲੀ ਛੱਡਿਆ ਮੇਰੇ ਜੋਗੀ ਦਾ ਚਮਟਾ ਕਿੱਥੇ ਵੱਜਿਆ ਕਿੱਥੇ ਵੱਜਿਆ ਉਹ ਚਮਟਾ ਕਿੱਥੇ ਵੱਜਿਆ ਚਮਟਾ ਵੱਜਿਆ ਕਰੂਨਾ ਝਾੜੀ ਜਿੱਥੇ ਕੀਤੀ ਮੋਰ ਸਵਾਰੀ ਆ ਕੇ ਦੇਖੇ ਦੁਨੀਆ ਸਾਰੀ ਮੇਰੇ ਬਾਬੇ ਦਾ ਚਮਟਾ ਆਉਣਾ ਹਾਰੀ ਦਾ ਚਮਟਾ ਮੇਰੇ ਜੋਗੀ ਦਾ ਚਮਟਾ ਕਿੱਥੇ ਵੱਜਿਆ ਮੇਰੇ ਬਾਬੇ ਦਾ ਚਮਟਾ ਕਿੱਥੇ ਵੱਜਿਆ ਚਮਟਾ ਜਿੱਥੇ ਵੱਜਿਆ ਕੋਈ ਖਾਲੀ ਛੱਡਿਆ ਚਮਟਾ ਜਿੱਥੇ ਵੱਜਿਆ ਨਾ ਕੋਈ ਖਾਲੀ ਛੱਡਿਆ ਜਿੱਥੇ ਵੱਜਿਆ ਨਾ ਕੋਈ ਖਾਲੀ ਛੱਡਿਆ
मेरे जोगी दाजे मैडा किथे बजेया मेरे बाबे दाजे मैडा किथे बजेया मेरे जोगी दाजे मैडा किथे बजेया मेरे बाबे दाजे मैडा किथे बजेया बजेया पहली गड्डी पहली गड्डी आई सनियारिया दी सिंगियां ले लो सिंगियां ले लो होवे गड्डी दे विच पहाड़ा विच
चौथी गड्डी चौथी गड्डी आई तरखाना दी चौथी गड्डी आई तरखाना दी गुड़ावा ले लो पौवे ले लो होवे गड्डी दे विच गुड़ावा ले लो पौवे ले लो होवे गड्डी दे विच शूं शान शारा रा रा होवे पहाड़ा विच जयकारा उच्चा पहाड़ा वाले बाबा जी दा बोल सच्चे दरबार की जय जयकारा सुंदर गुफा दे वासी दा बोल सच्चे दरबार की जय वाजिबा क्या बात है जी बोलो सच्चे दरबार की जय रब रब करे मारे रब दे ही बंदियां नु ऐना नहीं हो बंदे च अहंकार होना चाहिए कि रब रब करे मारे रब दे ही बंदियां नु ऐना नहीं हो बंदे च अहंकार होना चाहिए इट चक दे नु चक लई ए पत्थर वई पर पहला नहीं हो किसे उते वार होना चाहिए जिस देश विच गंगा मैया दा बहाव होवे ओथे नहीं हो खून दा व्यापार होना चाहिए तेरे गल गात्रा ते मेरे अज नववीरा दोहां दा ही दिलों सत्कार होना चाहिए दोहां दा ही दिलों सत्कार होना चाहिए बोलो सच्चे दरबार की जय दोनों हाथ ऊपर खड़े करके बोलो सच्चे दरबार की जय सो बहुत सारा आशीर्वाद साडे माता जी कमलजीत कौर जी और बाबा जी त्रिलोचन सिंह जी सेवादार सुखविंदर सिंह फौजी साहब इन्हां वल्लों बहुत सारा आशीर्वाद बहुत सारा मान सो बाबा जी इन्हां दे मेहर भरिया हथ रखन दिन दुगना रात चौगुणी तरक्की बख्शिश करन हर मनोकामना पूरिया करन बोलो सच्चे दरबार की जय दरबार की जय सो आओ दरबार दे विच उसे तरह हाजरी हां उही आवाज उही अदाज दे मालिक जनाब सोनलाल सैनी जी सुनो भगजनों जो साडियां नवीआं आईआं भेटां तेरियां कमाईआं रंग लाए बाबा वालका तेरियां कमाईआं रंग लाए ताइयों साडे चंगे दिन आए बाबा वालका ताइयों साडे चंगे दिन आए ਸੁਕੇਨਾ ਕਿਨਾਂ ਦੇ ਚੰਗੇ ਦਿਨ ਆਏ ਹੱਥ ਖੜ ਕੇ ਜਿਹਨਾਂ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਮਿਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ ਯਕੀਨ ਰੱਖੋ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋ ਇਸ ਦਰਬਾਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਮੇਰੇ ਪੌਣਾ ਹਰੀ ਦੁੰਦਾ ਤਾਰੀ ਸਭ ਤੇ ਮੇਰਾ ਕਰਦੇ ਆ ਭਗਤ ਜਨੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਧਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕਦਮ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਵੱਲ ਚੱਲਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ 10 ਕਦਮ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਚੱਲ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਭਗਤ ਜਨੋ इस गल नूं याद रखियो मेरे पौणा हारी दुद्धा तारी गुफा ते वासी गट गट के अंतर जा शिवां दा वरदान सी बाबा जी नूं कि तेरे दरबार ते आउण वाला तेरे तों मंगण वाला कोई खाली नहीं जावेगा इसे तरह हो रिहा भगत जनों बाबा जी दे दरबार तों कोई भी खाली नहीं जांदा तेरियां कमाईआं रंग लाए बाबा वालका तेरियां कमाईआं रंग लाए भगत जनों ए बाबा जी ने जिहड़ियां कमाईआं कीतीआं जुगो जुग भगती कीती है उहनां दा ही फल सानूं मिल रिहा है ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੰਗਰ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਦੇ ਫਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਭਗਤ ਜਨੋ ਮੇਰੇ ਪੌਣਾ ਹਾਰੀ ਦੁੱਧਾਂ ਤਾਰੀ ਗੁਫਾ ਦੇ ਵਾਸੀ ਗੱਟ ਗੱਟ ਕੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇਰੀਆਂ ਕਮਾਈਆਂ ਰੰਗ ਲਾਏ ਬਾਬਾ ਵਾਲਕਾ ਤੇਰੀਆਂ ਕਮਾਈਆਂ ਰੰਗ ਲਾਏ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ताड़ी मार के सारे ने कहना हले नहीं पेड़ दे नाल नाल ती
तेरिया कमाइया रंग लाए बाबा बालका तेरिया कमाइया रंग लाए तेरिया कमाइया रंग लाए बाबा बालका तेरिया कमाइया रंग लाए तेरिया कमाइया रंग लाए बाबा बालका तेरिया कमाइया रंग लाए चंगे दिन आए बाबा बालका तायों साढ़े चंगे दिन आए साढ़े चंगे दिन आए बाबा बालका तायों साढ़े चंगे दिन आए बाबा बालका तायों साढ़े चंगे दिन आए तायों साढ़े चंगे दिन आए बाबा बालका तायों साढ़े चंगे दिन आए तेरिया कमाइया रंग लाए बाबा बालका तेरिया कमाइया रंग लाए तेरिया कमाइया रंग लाए बाबा बालका तेरिया कमाइया रंग लाए जिंदगी दे विच जोगियां मुश्किलां बड़िया राहां दे गड्ढे फुल बन गए सी जा तुसी मेरा करिया साडी जिंदगी दे विच जोगियां मुश्किलां बड़िया राहां दे गड्ढे फुल बन गए सी जा तुसी मेरा करिया रोत तेरी गुफा ते चढ़ाए बाबा बालका तायों साढ़े चंगे दिन आए तेरिया कमाइया रंग लाए बाबा बालका तेरिया कमाइया रंग लाए तेरिया कमाइया रंग लाए बाबा बालका तेरिया कमाइया रंग लाए चंगे दिन आए बाबा बालका तायो साढ़े चंगे दिन आए तायो साढ़े चंगे दिन आए बाबा बालका तायो साढ़े चंगे दिन आए जोगिया तन मन सने रंगिया सब कुछ सानू तुसी ने दिता असाने जो भी मंगिया तेरिया रंगा विच जोगिया तन मन सने रंगिया सब कुछ सानू तुसी ने दिता असाने जो भी मंगिया रोक तेरी गुफा ते चढ़ाए बाबा बालका तायो साढ़े चंगे दिन आए तेरिया कमाइया रंग लाए बाबा बालका तेरिया कमाइया रंग लाए तेरिया कमाइया रंग लाए बाबा बालका तेरिया कमाइया रंग लाए तेरिया कमाइया रंग लाए बाबा बालका तेरिया कमाइया रंग लाए तायो साढ़े चंगे दिन आए बाबा बालका तायो साढ़े चंगे दिन आए तायो साढ़े चंगे दिन आए बाबा बालका तायो साढ़े चंगे दिन आए Hey!
ਬਚਨ ਪਿਆਰੇ ਉਹ ਸੋਹਣੀ ਪੱਟੀ ਵਾਲਾ ਤਾਈਓ ਹਰ ਪਲ ਤੈਨ ਪੁਕਾਰੇ ਹਰ ਪਲ ਤੈਨ ਪੁਕਾਰੇ ਹਰ ਪਲ ਤੈਨ ਪੁਕਾਰੇ ਪਲ ਦੀ ਅੱਖੋਂ ਕੱਢ ਲੈਣਾ ਏ ਆਪਣੇ ਭਗਤ ਪਿਆਰੇ ਆਪਣੇ ਭਗਤ ਪਿਆਰੇ ਆਪਣੇ ਭਗਤ ਪਿਆਰੇ ਸੋਹਣੀ ਪੱਟੀ ਵਾਲਾ ਤਾਈਓ ਹਰ ਪਲ ਤੈਨ ਪੁਕਾਰੇ ਹਰ ਪਲ ਤੈਨ ਪੁਕਾਰੇ ਹਰ ਪਲ ਤੈਨ ਪੁਕਾਰੇ ਮਾਣੇ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਵਾਲੇ ਪਾਏ ਬਾਬਾ ਬਾਲਕਾ ਤਾਈਓ ਸਾਡੇ ਚੰਗੇ ਦਿਨ ਆਏ ਕਮਾਈਆਂ ਰੰਗ ਲਾਏ ਤੇਰੀਆਂ ਕਮਾਈਆਂ ਰੰਗ ਲਾਏ ਬਾਬਾ ਬਾਲਕਾ ਤੇਰੀਆਂ ਕਮਾਈਆਂ ਰੰਗ ਲਾਏ ਤਾਈਓ ਸਾਡੇ ਚੰਗੇ ਦਿਨ ਆਏ ਬਾਬਾ ਬਾਲਕਾ ਤਾਈਓ ਸਾਡੇ ਚੰਗੇ ਦਿਨ ਆਏ ਸਾਡੇ ਚੰਗੇ ਦਿਨ ਆਏ ਬਾਬਾ ਬਾਲਕਾ ਤਾਈਓ ਸਾਡੇ ਚੰਗੇ ਦਿਨ ਆਏ ਤਾਈਓ ਸਾਡੇ ਚੰਗੇ ਦਿਨ ਆਏ ਬਾਬਾ ਬਾਲਕਾ ਤਾਈਓ ਸਾਡੇ ਚੰਗੇ ਦਿਨ ਆਏ ਤੇਰੀਆਂ ਕਮਾਈਆਂ ਰੰਗ ਲਾਏ ਬਾਬਾ ਬਾਲਕਾ ਤੇਰੀਆਂ ਕਮਾਈਆਂ ਰੰਗ ਲਾਏ ਤੇਰੀਆਂ ਕਮਾਈਆਂ ਰੰਗ ਲਾਏ ਬਾਬਾ ਬਾਲਕਾ ਤੇਰੀਆਂ ਕਮਾਈਆਂ ਰੰਗ ਲਾਏ ਤੇਰੀਆਂ ਕਮਾਈਆਂ ਰੰਗ ਲਾਏ ਬਾਬਾ ਬਾਲਕਾ ਤੇਰੀਆਂ ਕਮਾਈਆਂ ਰੰਗ ਲਾਏ ਤੇਰੀਆਂ ਕਮਾਈਆਂ ਰੰਗ ਲਾਏ ਬਾਬਾ ਬਾਲਕਾ ਤੇਰੀਆਂ ਕਮਾਈਆਂ ਰੰਗ ਲਾਏ ਲਾਏ ਬੋਲੀਏ ਸਾਚੇ ਦਰਬਾਰ ਕੀ ਤੂੰ ਨਾ ਤੇਰੇ ਹੀ ਨਾਮ ਦਾ ਲਹਾਇਆ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾ ਮੋੜਾ ਹਾਰਿਆ ਤੂੰ ਨਾ ਤੇਰੇ ਹੀ ਨਾਮ ਦਾ ਲਹਾਇਆ ਨਾ ਬੈਣਾ ਤੈਨੂੰ ਜੋਗਿਆ ਚੌਂਕੀ ਤੇਰੇ ਹੀ ਨਾਮ ਚੌਂਕੀ ਤੇਰੇ ਹੀ ਨਾਮ ਦੀ ਲਾਈ ਆਉਣਾ ਪੈਣਾ ਤੈਨੂੰ ਜੋਗਿਆ ਤੂੰ ਨਾ ਤੇਰੇ ਹੀ ਨਾਮ ਦਾ ਲਾਇਆ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾ ਪਾਉਣਾ ਹਾਰਿਆ ਤੇਰੇ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਤੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਤੇਰੇ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਹੈ ਬੁਲਾਇਆ ਝੋਲੀ ਚਿੱਟਾ ਫੜਕੇ ਆਵੋ ਝੋਲੀ ਚਿੱਟਾ ਫੜਕੇ ਆਵੋ ਤੇਰੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਲੰਗਰ ਲਗਾਇਆ ਪਹਾੜਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਵਾ ਜਾਵਾ ਤੇਰੇ ਬਦਲੇ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਨਾ ਪਹਾੜਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਵਾ ਜਾਵਾ ਤੇਰੇ ਬਦਲੇ ਉਹ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਨਾ ਪਹਾੜਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਵਾ ਜਾਵਾ ਤੇਰੇ ਬਦਲੇ ਤੈਨੂੰ ਸੰਗਤ ਸਾਰੀ ਡੀਕੇ ਤੈਨੂੰ ਸੰਗਤ ਸਾਰੀ ਪੌਣ ਤੇ ਆਵੋ ਪੌਣਾ ਹਾਰੀ ਪੌਣ ਤੇ ਆਵੋ ਪੌਣਾ ਹਾਰੀ ਉਡੀਕੇ ਤੈਨੂੰ ਸੰਗਤ ਸਾਰੀ ਉਡੀਕੇ ਤੈਨੂੰ ਸੰਗਤ ਸਾਰੀ ਤੇਰੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਮੰਦਰ ਸਜਾਇਆ ਤੂੰ ਨਾ ਤੇਰੇ ਹੀ ਨਾਮ ਦਾ ਲਾਇਆ ਆਉਣਾ ਪੈਣਾ
दसोवे दसो दसोवे पहाड़ा दे ओ बूटे ओ 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 रोट बनाया पहाड़ा विच कोई मेरा कमना पहाड़ा विच कोई हाँ मेरा कमना पहाड़ा विच कोई बदले तेरे तुने तो बारे जावा तेरे तुने तो बारे जावा जद मैं भूती मथे लावा जद मैं भूती मथे लावा नेड़े आऊं ना दुख बलावा नेड़े आऊं ना दुख बलावा सोनी पट्टी वाले सोनी पट्टी वाले सोनी पट्टी वाले ने है धूना गाया धूना तेरे ही नाम दा लाया हिलाई तूना तेरे ही नाम दा लाया ਮੋੜ ਦੇ ਖੜਕੇ ਮਾਰਤ ਨੋਨੇ ਬਾਜਾ ਮਾਰੀਆਂ ਮੋੜ ਦੇ ਖੜਕੇ ਮਾਰਤ ਨੋਨੇ ਬਾਜਾ ਮਾਰੀਆਂ ਰਤਨੋ ਨੇ 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 ਬਾਜਾ ਮਾਰੀਆਂ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੜਕੇ ਰਤਨੋ ਨੇ ਬਾਜਾ ਮਾਰੀਆਂ ਮੋੜ ਦੇ ਖੜਕੇ ਰਤਨੋ ਨੇ ਬਾਜਾ ਮਾਰੀਆਂ ਪਿੱਠ ਮੋੜ ਦੇ ਖੜਕੇ ਮਾਰਤ ਨੋਨੇ ਬਾਜਾ ਮਾਰੀਆਂ ਮੋੜ ਦੇ ਖੜਕੇ ਮਾਰਤ ਨੋਨੇ ਬਾਜਾ ਮਾਰੀਆਂ ਪਿੱਠ ਮੋੜ ਦੇ ਖੜਕੇ ਮਾਰਤ ਨੋਨੇ
किधर गया मेरा गौआ वाला किधर गया मेरा पौआ वाला किधर गया मेरा गौआ वाला किधर गया मेरा पौआ वाला किधर गया मेरा गौआ वाला किधर गया मेरा पौआ वाला किधर गया मेरा गौआ वाला किधर गया मेरा पौआ वाला लड़के रतनों ने बाजा मारिया एक बोर दे करके मारतनों ने बाजा मारिया रतनों ने बाजा मारिया रतनों ने बाजा मारिया रतनों ने बाजा मारिया रतनों ने बाजा मारिया गया मेरे नाल गया मेरे नाल गया मेरे नाल लड़के रतनों ने बाजा मारिया बाजा किधर गया मेरा झोलियां वाला किधर गया मेरा चमटियां वाला किधर गया मेरा झोलियां वाला किधर गया मेरा चमटियां वाला किधर गया मेरा झोलियां वाला किधर गया मेरा चमटियां वाला गया मेरे नाल गया मेरे नाल गया मेरे नाल लड़के रतनों ने बाजा मारिया फड़के मारतनों ने बाजा मारिया हेठ बोड़ दे फड़के मारतनों ने बाजा मारिया रतनों ने बाजा मारिया रतनों ने बाजा मारिया रतनों ने बाजा मारिया रतनों ने बाजा मारिया गया मेरे नाल गया मेरे नाल गया मेरे नाल लड़के रतनों ने बाजा मारिया हिट बोर्ड दे खड़के मारतनों ने बाजा मारिया चाहे मार जोगिया चाहे रख जोगिया चाहे मार जोगिया असी छड़ना नी तेरा दरबार जोगिया फकत छड़ना नी तेरा दरबार जोगिया कदे छड़ना नी तेरा दरबार जोगिया चाहे हूँ करके चाहे हाँ करके चाहे हूँ करके चाहे हाँ करके सानू तारियो बाबा जी साडी मां फड़के सानू तारियो बाबा जी साडी मां फड़के सानू तारियो बाबा जी साडी मां फड़के मैं नी डोलदा
बाबा जी दे भक्तां विच ना बोलदा मेरा जोगी दे बच्चिया च ना बोलदा हो मेरा बाबा जी दे भक्तां विच ना बोलदा मेरा जोगी दे बच्चिया च ना बोलदा मैं बाबा जी दे रोड चढ़ाउन चलिया मैं ता बाबा जी दे दर शरण पाउन चलिया बाबा जी दे रोह चढ़ाउन चलिया ओ मैं ता बाबा जी दे दर्शन पाउन चलिया मैं ता बाबा जी दे दर्शन पाउन चलिया मैं ता बाबा जी दे रोह चढ़ाउन चलिया मैं ता बाबा जी दे रोह चढ़ाउन चलिया बोलिए साचे दरबारी की जयकारा पौना हरि बाबा जी दा बोले साचे दरबार की जय जयकारा दूता तारी बाबा जी दा बोल साचे दरबार की जय। तो एक बार फिर संतों की बेनती है कि जिन्नी भी संगत बाबा जी दर्शनां नूं जा रही है दर्शन करके आ रही है सारी संगत ने बाबा जी दा जल भंडारा लंगर छक जाना बाबा जी दा लंगर अटुट चल रहा है मंदिर एक निवास वालों बाबा जी का भंडारा 24 घंटे चलता रहता है। तो सारे संतों की बेनती है कि लंगर छक जाना मंगा माही जी मंगा माही वाह जी वाह क्या बात है दोनों हाथ ऊपर खड़े करके जयकारा लगा दो जयकारा बोलो हरि जी दा बोलो सच्चे दरबार की जयकारा दूता तारी जी दा बोलो सच्चे दरबार की जय। पौना हारिया गुफा दे वासी आवे ते मैनू आसरा तेरे नाम दा है के पौना हारिया गुफा दे वासी आवे ते मैनू आसरा तेरे नाम दा है तेरा नाम लेके लंघ पार जावां ते मैनू कौन गरीब नू जानदा है ते मैनू कौन गरीब नू जानदा है बोलो सच्चे दरबार की दरबार की दोनों हाथ ऊपर खड़े करके बोलो सच्चे दरबार की। तो बाबा जी दे दरबार दे बहुत सारियां अरदासां गुप्तदान महाकल्याण मेरे बाबा जी आप जन जान जिन्ना खजाने दे विचों माया आई खजाने भरपूर करन बोलो सच्चे दरबार की। सो आओ दरबार दे विच उसे तरह हाजरियां जनाब सोलन सिंह। सो जिन्नी भी संगत बाबा जी दे चरणा दे विच बैठी है सारे बेनती है कि सारे आ जाओ पूरे 10 बजे 10 बजे तक बाबा जी की चौंकी जी आरती का समा 10 बजे का सो पूरे 10 बजे आरती की जाएगी। उस तो पहला पहला जिन्या भी संगत ने नच के दरबार हाजरी भरनी है वह भर सकते हैं। सो आओ दरबार उसी तरह हाजरियां उही आवाज उही अंदाज के मालिक जनाब सोहन लाल सैनी जी। सुपक जनो बाबा जी दरबार सजे है मैं फिर बेनती करता कि जो इधर उधर खड़े हैं बंदे वो आके पंडाल में सज जाओ 10-15 मिनट हो रहे हैं उस तो समाप्ति हो जाने चौकी दी पगे जनो असी गल कर लगे हैं एक थोड़े नाल गल साझी करनी है बाबा दे चरणां दा ध्यान करो। एक समय की गल है देवतियां दी कचहरी लगी है देवते इकट्ठे होए हैं ब्रह्मा जी कहण लगे कि मेरे बहुत वड्डे वड्डे भक्त ने विष्णु जी कहण लगे कि मेरे भी बहुत वड्डे भक्त ने शिव शंकर महाराज बोले कि मेरा भी एक छोटा जिहा भक्त है जिहड़ा कि जुगो जुग मेरी भगती करदा आ रहा है। ब्रह्मा जी कहण लगे कि असीं तेरे उस भगत दी भगती भंग कर देवांगे विष्णु जी भी कहण लगे शिव शंकर महाराज बोले कि नहीं मेरे भगत दी भगती कोई भंग नहीं कर सकता चले गए जिथे बाबा जी भगती करते हुए एक पासों बाहों तो ब्रह्मा जी ने फड़ लिया दूसरे पासों विष्णु जी ने फड़ लिया चुक के बाबा जी ने नदी में छिड़ दिता कहिंदे आपे इसकी भगती भंग हो जानी भगत जनो बाबा जी ने भगती करना नहीं छड़ी उस तरह गंगा माता की गोद में बैठ गए ओम नमो शिवा का जाप करते रहे देवते चले गए युग बीत गया फिर देवत्या की तैयारी लगी है देवते इकट्ठे हुए हैं
कहते चलो शिवा दे उस भक्त को देखिए है मछिया मुछिया ने खा लिया। जिस वे जाके देखते हैं तो मेरे पौना हारी उस तरह गंगा माता की गोद में बैठ के भक्ति करते हुए भक्त जनों फिर कहते ने आदर समेत ब्रह्मा विष्णु जी ने बाबा जी गंगा माता की गोद कढ़िया कट के उस वेले ब्रह्मा जी ने भी बाबा जी नमस्कार किया विष्णु जी ने भी नमस्कार किया इतने तक के शिव शंकर महाराज जी ने भी बाबा जी नमस्कार किया कहते जा वालका तेरे जिनी भक्ति ना ही किसी ने की है ना कोई करेगा ना कोई कर सकता बाबा जी ने बतवन देता कहते बालका तेरे जिनी भक्ति ना ही किसी ने की है ना कोई करेगा ना कोई कर सकता बाबा जी कह लगे उन्होंने तिना देवत्या महाराज मैनू अपना चेला बना लो मैं गुरु बनाना चाहना क्योंकि गुरु मैंने ज्ञान ना हो सियाने कहते कि सियान जिंदगी में गुरु जरूर बनाना चाहिए ब्रह्मा विष्णु तिना देवत्या ने इनकार कर दिता कि बालका असं तेन अपना चेला नहीं बना सकते क्योंकि असं तेन नमस्कार कर चुके हैं बाबा जी कहते नहीं मैं गुरु जरूर बना उस वेले भगत जनो तिना देवत्या ने कट्ठे होके एक शक्ति प्रगट की है कि शक्ति प्रगट की है गुरु दत्तात्रेय जी ने प्रगट किया कहते जा बालका आ तेरा गुरु होगा वो भगत जनो तीनों शक्तियां ब्रह्मा विष्णु महेश्वर दी गुरु दत्तात्रेय विच है और दत्तात्रेय जी की शक्ति मेरे पौना हारी विच है दसो इस तो वड्डा कौन हो सकता है जकारा पौना हारी जी का इसनों को निका जहा बालक नहीं समझना है जग का मालक जोगी निका जहा कम वे वे किस तरह बाबा ने कम वे वे तरह ध्यान देना जोगी निका जे हाए कम वड्डे वड्डे बाबा निका जे हाए कम वड्डे वड्डे जोगी निका जे हाए कम वड्डे वड्डे ओ मालिक निका जे हाए कम वड्डे वड्डे कीती मोर दी सवारी सोनी लगे लगे ओ कीती मोर दी सवारी सोनी लगे लगे बाबा निका जे हाए कम वड्डे वड्डे ओ जोगी निका जे हाए कम वड्डे वड्डे शंकर तो लै वरदान कलयुग देव च आया सी कलयुग देव च आया सी दत्तात्रेय जी नु गुरु बना के बालकनाथ कहाया सी बालकनाथ कहाया सी बालकनाथ कहाया सी शिव शंकर तो लै वरदान कलयुग देव च आया सी कलयुग देव च आया सी दत्तात्रेय जी नु गुरु बना के बालकनाथ कहाया सी बालकनाथ कहाया सी कोरी रक्ष माफिया मंगे ओदे कोरी रक्ष माफिया मंगे ओदे जे हाए कम वड्डे वड्डे ओ जोगी निका जे हाए कम वड्डे वड्डे ओ मालिक निका जे हाए कम वड्डे वड्डे लस्सी रोटियां बारह साल दियां सुनो घट दिखाइया सी मारत नूं दा पाली बन के रब ने जारियां गाइयां सी लस्सी रोटियां बारह साल दियां सुनो घट दिखाइया सी माता रतनो तरले पाउंदी ओदे माता रतनो तरले पाउंदी ओदे बाबा निक्का जे हाए कम ओ जोगी निक्का जे हाए कम ओ बालक निक्का जे हाए कम वड्डे हे ਆਕੇ
ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਅਜਮਾਇਆ ਸੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਅਜਮਾਇਆ ਸੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਅਜਮਾਇਆ ਸੀ ਅੰਸ਼ਰ ਗਊਗਾ ਦੁੱਧ ਪੜਾ ਕੇ ਮੰਡਲੀ ਤਾਈਂ ਰਜਾਇਆ ਸੀ ਮੰਡਲੀ ਤਾਈਂ ਰਜਾਇਆ ਸੀ ਮੰਡਲੀ ਤਾਈਂ ਰਜਾਇਆ ਸੀ ਗੁਰਖਨਾਥ ਨੇ ਆ ਕੇ ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਅਜਮਾਇਆ ਸੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਅਜਮਾਇਆ ਸੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਅਜਮਾਇਆ ਸੀ ਅੰਸ਼ਰ ਗਊਗਾ ਦੁੱਧ ਪੜਾ ਕੇ ਮੰਡਲੀ ਤਾਈਂ ਰਜਾਇਆ ਸੀ ਮੰਡਲੀ ਤਾਈਂ ਰਜਾਇਆ ਸੀ ਮੰਡਲੀ ਤਾਈਂ ਰਜਾਇਆ ਸੀ ਗੁਰਖਨਾਥ ਨੂੰ ਝੁਕਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਗੁਰਖਨਾਥ ਨੂੰ ਝੁਕਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਬਾਬਾ ਨਿੱਕਾ ਜੇ ਹਾਏ ਕੰਮ ਜੋਗੀ ਨਿੱਕਾ ਜੇ ਹਾਏ ਕੰਮ ਉਹ ਮਾਲਕ ਨਿੱਕਾ ਜੇ ਹਾਏ ਕੰਮ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਮੰਦਰਾਂ ਉੱਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਰੌਣਕਾਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਲੱਗੀਆਂ ਰੌਣਕਾਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਲੱਗੀਆਂ ਰੌਣਕਾਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਓਏ ਹੁਣ ਸਵਾਲੀ ਜਾਣ ਤਾਂ ਖਾਲੀ ਸਭ ਨੂੰ ਖੈਰਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਖੈਰਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਖੈਰਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਮੰਦਰਾਂ ਉੱਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਰੌਣਕਾਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਲੱਗੀਆਂ ਰੌਣਕਾਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਓਏ ਹੁਣ ਸਵਾਲੀ ਜਾਣ ਤਾਂ ਖਾਲੀ ਸਭ ਨੂੰ ਖੈਰਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਖੈਰਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਸੋਹਣੀ ਹਰਸਾਂ ਤੇ ਜਕਾਰੇ ਉਹਦੇ ਸੋਹਣੀ ਹਰਸਾਂ ਤੇ ਜਕਾਰੇ ਉਹਦੇ ਬਾਬਾ ਨਿੱਕਾ ਜੇ ਹਾਏ ਕੰਮ ਉਹ ਜੋਗੀ ਨਿੱਕਾ ਜੇ ਹਾਏ ਕੰਮ ਕੀਤੀ ਮੋਰ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਸੋਹਣੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਮੋਰ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਸੋਹਣੀ ਉਹ ਬਾਬਾ ਨਿੱਕਾ ਜੇ ਹਾਏ ਕੰਮ ਉਹ ਜੋਗੀ ਨਿੱਕਾ ਜੇ ਹਾਏ ਕੰਮ ਬੋਲੀਏ ਸਾਚੇ ਦਰਬਾਰੀ ਕੀ ਸੁਲੋ ਸਾਡੇ ਦੀਪਕ ਜੀ ਕੀ ਜੈ ਜਕਾਰਾ ਪਾਉਣਾ ਹਰੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਬੋਲ ਸਾਚੇ ਦਰਬਾਰ ਕੀ ਜੈ ਸੋ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਆਈਆਂ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਏਕ ਨਿਵਾਸ ਦਰਬਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਚੇਤਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀਆਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਸੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਗੱਜ ਕੇ ਜਕਾਰਾ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਜਕਾਰਾ ਦੁਦਾਧਾਰੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਬੋਲ ਸਾਚੇ ਦਰਬਾਰ ਕੀ ਜੈ ਸੋ ਇਹ ਸੁੰਦਰ ਦਰਬਾਰ ਇਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਲੰਗਰ ਭੰਡਾਰਾ ਏਕ ਨਿਵਾਸ ਦਰਬਾਰ ਸਾਡੇ ਮਾਤਾ ਕਵਲਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਸਾਡੇ ਬਾਬਾ ਤ੍ਰਿਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਯੁਕੇ ਤੋਂ ਇਹ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਔਰ ਨਿਰੰਤਰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਿਛਲੇ 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਜੋਤ ਘਰ ਘਰ ਜਗੇ ਸੋ ਇਹ ਉਪਰਾਲੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਲੰਗਰ ਭੰਡਾਰਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਚੱਲੇਗਾ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉੱਧਰ ਝੂਲਿਆਂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸ਼ਾਹਤਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੂਲਿਆਂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੰਗਤ ਵਾਸਤੇ ਸੋ ਕੱਲ੍ਹ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਕੱਲ੍ਹ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੁਲਵਰਹੈਂਟਨ 'ਚ ਕੱਲ੍ਹ ਮੇਲਾ ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਨਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਸੋ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਮਾਤਾ ਜੀ ਬੋਲਣਗੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ ਜੀ ਜੈਕਾਰਾ ਪਾਉਣਾ ਹਰੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਕਿੰਨਾ ਸੁੰਦਰ ਦਰਬਾਰ ਸਜਾਇਆ ਹੈ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਹੈ ਵੈਸੇ ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦੇਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕੈਸੀ ਡੀਲਰ ਰਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕਦਮ ਖਾਲੀ ਉੱਚੀ ਨੀਚ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਠੀਕ ਕਰਕੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਨਾ ਸੁੰਦਰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਮੰਜ ਵਿਚਾਰਾ ਝੂਲਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਣੇ ਝੂਲੇ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਿਆਣੇ ਹਨ ਪਰ ਸਾਡੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਹੀ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਮਹੰਤ ਜੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਝੂਲੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਸੋ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ ਚੇਤ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦਰਬਾਰ ਹੈ ਪੱਕਾ ਦਰਬਾਰ ਬਣਨਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਾਂ ਵੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਪਾਰਕਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਹੋਣਾ ਸਤਸੰਗ ਹੋ ਲੰਗਰ ਹੋ ਜ਼ਮੀਨ ਹੋਰ ਵੀ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਮੌਜ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉੱਦਾਂ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਜੇ ਚਾਹੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਇਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦੇ ਹਨ ਆਪ ਜੀ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ਼ ਨਾ ਹੋਏ ਸਭ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਇਹ ਸ਼ਰਧਾ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਹੈ ਡਿਊਟੀ ਸਾਡੀ ਲੱਗੀ ਹੈ
ਸਾਡੀ ਵੀ ਸ਼ਰਧਾ ਹੈ ਪਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਹਨ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸ਼ਾਹ ਲਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਰਬਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਵੈਸੇ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਵੈਸੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਹ ਲਾਈਆਂ ਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮਜ਼ਾਕ ਇਹ ਨੀ ਕਿ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿ ਇਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਗੱਲ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਿਓਰ ਸੀਟ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ਾਹ ਲਾਈਆਂ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਮਾਈ ਰਤਨੋ ਦੇ ਨਾਲ 12 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਗਊਆਂ ਚਰਾਈਆਂ ਜਾਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਚਲੇ ਗਏ ਪਰ ਸਾਡੇ ਮਨ ਚ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਸ਼ਕਤੀ ਵਾਲੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹਨ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਬੰਨ ਦਿੱਤਾ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਮਾਈ ਰਤਨੋ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਚ ਤੁਸੀਂ ਮੱਥਾ ਨਹੀਂ ਟੇਕ ਕੇ ਆਓਗੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਨਹੀਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਾਂਗਾ ਸੋ ਸ਼ਾਹ ਲਾਈਆਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਡੇਰੇ ਲਾਏ ਹਨ ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਰੋਜ਼ ਜਾ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਬੰਨਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਨ ਦਿੱਤਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਕਣ ਕਣ ਮੈਂ ਭਗਵਾਨ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹਰ ਪਾਸੇ ਜਿੱਧਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਿਖਦੇ ਹਨ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਵੀ ਦੇਖੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਨ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਰੂਪ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਪਹਾੜ ਤੇ ਮਨਾਉਣਾ ਹੈ ਪਿੱਛੇ ਇਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਰਾਉਣਾ ਇੱਕ ਯਾਦਗਾਰ ਹਿਸਟਰੀ 'ਚ ਨਾਮ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਝੂਲੇ ਲੱਗ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਰੂਪ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਬਣਨਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਬਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ ਸੋ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਦਰਬਾਰ ਦੀਆਂ ਰੌਣਕਾਂ ਵਧਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਪ ਸਭ ਦੀਆਂ ਚੋਲੀਆਂ ਭਰਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਨਾ ਮੋੜਨ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮਿਹਨਤ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਨੱਚਣਾ ਐਵੇਂ ਨੀ ਨੱਚ ਹੁੰਦਾ ਐਵੇਂ ਨੀ ਨੱਚ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਵੀ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਪਿਆਰ ਹੈ ਬਾਬੇ ਨੱਚਣਾ ਨੱਚ ਕੇ ਦਿਖਾਉਣਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਹਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਪਰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਕੁਛ ਕਰ ਸਕਦੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਨੱਚ ਕੇ ਯਾਰ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੌਣਾ ਹਾਰੀ ਨੂੰ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਰ ਕਈ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਸੰਗਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਸੇਵਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣ ਜੇਕਾਰਾ ਪੌਣਾ ਹਾਰੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਬਾਕੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਬੱਚਾ ਸਾਡਾ ਕਿ ਕੱਲ ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਜੋ ਚਾਲਾ ਹੈ 24 ਤਰੀਕ ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਰੌਣਕਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ ਯੂਕੇ ਪਹਿਲਾ ਦਰਬਾਰ ਇਤਨਾ ਵੱਡਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਹੈ ਉੱਥੇ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਉਹ ਦਰਬਾਰ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨਾਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਚੱਲੇ ਕਿ ਉੱਧਰ ਪੌਂਡ ਚੱਲਦੇ ਹਨ 200 ਪੌਂਡ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਸੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਇਤਨੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਦਰਬਾਰ ਇਤਨਾ ਵੱਡਾ ਹੀ ਦਰਬਾਰ ਹੈ ਬਾਕੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 3 ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦਰਬਾਰ ਹੈ ਰੌਣਕਾਂ ਲਾਈਆਂ ਹਨ ਕਿਹਨੇ ਲਾਈਆਂ ਹਨ ਪੌਣਾ ਹਾਰੀ ਜੀ ਨੇ ਰੌਣਕਾਂ ਲਾਈਆਂ ਹਨ ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਇਹ ਜੋ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬੋਲਦੇ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਸਾਹ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ ਇਹ ਸਭ ਕੁਛ ਜੋ ਕੁਛ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਆ ਤਾਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਣ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਏਕ ਨਿਵਾਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਝੂਲੇ ਲਵਾਏ ਹਨ ਝੂਲੇ ਏਕ ਨਿਵਾਸ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲਵਾਏ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਲਵਾਏ ਵਿਚਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਉਹ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਡਾ ਮਾਣ ਰੱਖੇ ਹਨ ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਨੌਕਰ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਬਾਬਾ ਪੌਣਾ ਹਾਰੀ ਜੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਫਲਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਈਦਾ ਹੈ ਆਈਦਾ ਹੈ ਆ ਕੇ ਸਿਮਨ 4 ਸਾਲ ਸਾਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗਣੀ ਹੈ ਦਰਬਾਰ ਪੱਕਾ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਦਰਬਾਰ ਹੋਰ ਬਣਾਉਣੇ ਹਨ 5 ਦਰਬਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਡੀ ਉਮਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪਤਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀ ਇਹ 5 ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ 200 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਇਹ 5 ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਬਾਕੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬਣਵਾਉਣੇ ਹਲੇ ਸੋ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਹੈ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਲਾਈਵ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਈਵ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੋਜ਼ ਲਾਈਵ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸੋ ਮੇਰਾ ਸੁਨੇਹਾ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਹੈ
कि जलंधर प्रागपुर हवेली तो पहला जो जलंधर चो आप लुधियाने की तरफ तो एंटर होने जलंधर प्रागपुर के हाईवे के उत्ते बाबा जी का मंदिर बनया जिथे 24 घंटे का लंगर प्रसाद बाबा जी के वास्ते संगत वास्ते बाबा जी का लंगर प्रसाद चलता है। जो भी दूर दराजे तो किसी भी स्टेट तो किसी भी शहर तो जलंधर च आओ तो लंगर छक के जरूर जाया करो। जिथे शाम को रोज चौंकी भी होंगी बाबा जी की आरती होंगी है जेठे एतवार एतवार को बाबा जी की वड्डी चौंकी होंगी है। सो ये सब बाबा जी की कृपा बाबा जी का प्रताप है जी। सो जिहड़ी भी संगत जलंधर वालों आती हो जाती हो थोड़ी देर रुक के लंगर छक बाबा जी को वंदन करके बाबा जी का बाबा जी नतमस्तक होकर बाबा जी के जरूर अगे चले पाया करो। यह स्नेहा पूरे एक निवास दरबार की संगत वालों माता जी वालों है जी। सो गज के जकारा लगा दो जकारा पौना हरि बाबा जी का। सो चौंकी का लास्ट एक भजन सोनल सैनी जी गाणगे उस तो बाद बाबा जी की आरती उतारन तो बाद फिर अज की चौंकी को विराम देवे जी। जकारा पाना हरि बाबा जी का बोल सच दरबार की। मैं ते बाबा जी ते सुतियां डोरा आपे बेड़ा पार लाउणगे। कहना कहना भगतां ने डोरा सुतियां बाबा जी तेरा हाथ खड़े करो सारिया ने सुतियां सारिया के बेड़े पार हो जाने। आओ रलके बाबा जी चरणा च लास्ट वंदना हाल जी नवाइए। फरमाइशा ते बहुत सी लेकिन समा बहुत घट है। बाबा जी ने चाहिया ते फिर दोबारा हाल जी लवावांगे बाबा के चरणा च। आपे ही बेड़ा पार लाउणगे जिन्हां भगतां ने बाबा जी दे हाथ विच डोरा सिड़तियां उन्हां भगतां दे बेड़े बाबा जी आपे पार ला दिंदे ने भगत जनों क्योंकि बाबा जी कदे किसे नूं निराश नहीं करदे। हां जी बाजी मैं ते बाबा जी ते सुठियां डोरा आपे ही बेड़ा पार लाउणगे। माता रतन दे लाल दा जाने ना कोई भेद माता रतन दे लाल दा हुनके पिंडे रहंदा सारी दुनिया नु तारदा जाने ना कोई भेद माता रतन दे लाल दा नंगे पिंडे रहंदा सारी दुनिया नु तारदा हुनके पिंडे रहंदा सारी दुनिया नु तारदा कातों किसे अगे हाथ में बाबा जी ने सुटियां डोरा आपे बेड़ा पार लौणगे। गुफा वाले ते मैं सुटियां डोरा आपे बेड़ा पार लौणगे। गुफा वाले ते मैं सुटियां डोरा आपे बेड़ा पार लौणगे। पार लौणगे जी
ਲਾਉਣਗੇ ਪਾਰ ਲਾਉਣਗੇ ਦੀ ਵੇੜਾ ਪਾਰ ਲਾਉਣਗੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲੋੜਾਂ ਆਪੇ ਹੀ ਵੇੜਾ ਪਾਰ ਲਾਉਣਗੇ आरती करा मैं तेरी शांत लाइया वाले आरती करा मैं तेरी सुंदर गुफा वाले हां जी दीप भाई रेडी जयकारा शादलाइया वाले बाबा जी का बोलिए साचे दरबार की जय जयकारा सोनिया सोनिया जटावा वाले बाबा जी का बोल साचे दरबार की जय जयकारा सुंदर गुफा विच रहण वाले बाबा जी का बोल साचे दरबार की जय जयकारा भगवे चोले वाले बाबा जी का बोल साचे दरबार की जय आरती कर मैं तेरी शातलाइया वाले आरती करा मैं तेरी सुंदर गुफा वाले आरती करा मैं तेरी शातलाइया वाले आरती करा मैं तेरी सुंदर गुफा वाले आरती कर मैं तेरी पग में झोले वाले मैं तेरी झोली लिपटे वाले आरती करा मैं तेरी पग में झोले वाले आरती करा मैं तेरी झोले आरती करा मैं तेरी बाबा जी बोरा वाले आरती करा मैं तेरी बाबा जी बोरा वाले आरती करा मैं आरती करा मैं मेरी लाज रखण वाले आरती करा मैं तेरी बाबा जी धोने वाले हाथ जोड़े कर हरे गुजारा हो कड़ पल्ला पाके तेरे अगे मैं पुकारा जेड़े पै गए तेरे चरनी लखाए तू तारे आरती करा मैं तेरी शात लाइया वाले आरती करा मैं तेरी शात लाइया वाले आरती करा मैं तेरी सुंदर गुफा वाले शिव शंकर तो बारे तुसी पाया शिव शंकर तो बारे तुसी पाया भारत नो दा पुत अखवाया भारत नो दा पुत अखवाया शिव शंकर आरती करा मैं तेरी बाबा जी बोरा वाले आरती करा मैं तेरी
तेरी बाबा जी तूने वाले आरती करा मैं मेरी लाज रखण वाले आरती करा मैं मेरी बाबा जी तूने वाले आरती करा मैं तेरी शात लाइया वाले आरती करा मैं तेरी सुंदर गुफा वाले जय करा शात लाइया वाले बाबा जी दा भोले साचे दरबारे के जय जय करा सुंदर गुफा विच रहण वाले बाबा जी दा जकारा पौना हरि दा बोल सच्चे दरबार की जय हो तन पबूतर माया गेरू रंगे केस पबूतर माया गेरू रंगे केस तन पबूतर माया गेरू रंगे केस पबूतर माया गेरू रंगे केस बाबा बालक नाथ तू मेरी कोट कोट है टेक बाबा बालक नाथ तेरी कोट कोट है टेक ओ बाबा बालक नाथ तू मेरी कोट कोट है टेक बाबा बालक नाथ तेरी कोट कोट है टेक तन पबूतर माया चोली चिमटा हाथ पबूतर माया चोली चिमटा हाथ तन पबूतर माया चोली चिमटा हाथ पबूतर माया चोली चिमटा हाथ पौना हरि बाबा जी हुण छड्यो ना मेरा साथ पौना हरि बाबा जी कद छड्यो ना मेरा साथ पौना हरि बाबा जी हुण छड्यो ना मेरा साथ पौना हरि बाबा जी हुण छड्यो ना मेरा हाथ रोम रोम विच बस गया मेरे बाबे दा विश्वास रोम विच बस गया मेरे रोम रोम विच बस गया मेरे बाबे दा विश्वास रोम रोम विच बस गया मेरे बाबे दा विश्वास हाथ जोड़ के अर्ज करा मेरी पूरी कर दियो आस हाथ जोड़ के अर्ज करा मेरी पूरी कर दियो आस हाथ जोड़ के अर्ज करा मेरी पूरी कर दियो आस जोड़ के अर्ज करा मेरी पूरी कर दियो आस रोम रोम विच बस गया मेरे शिवजी दा विश्वास बस गया मेरे शिवजी दा विश्वास रोम रोम विच बस गया मेरे शिवजी दा विश्वास रोम रोम विच बस गया मेरे शिवजी दा विश्वास एक नवास रखियो कोले अपना सदा ही पास देश देश गुरु जी को देश ओंकार बाबा वालकनाथ जी वंद कट कर खवाला सोने की चमकी रूपे की माला रूप तारी तिलक तारी माया तारी छाया तारी इच्छा तारी गंगा जी का वासी सदा उदासी पंख डाक नामकड़िया सिद्ध पड़िया सिद्ध भीमा सिद्ध भीमिया नमो प्रभु बारह साल गौं चारिया खादा नान पीता ना पानी जय जय पौना हरी जय जय पौना हरी जय जय पौना हरी जय जय पौना हरी ओ तन पबूतर माया गेरू रंगे केस तन पबूतर माया गेरू रंगे केस तन पबूतर माया गेरू रंगे केस बाबा बालक नाथ तो मेरी कोट कोट है टेक बाबा बालक नाथ मेरी कोट कोट है टेक बाबा बालक नाथ तो मेरी कोट कोट है टेक बाबा बालक नाथ मेरी कोट कोट है टेक हे मेरे पौना हरि बाबा जी हे मेरे दुदा तारी बाबा जी हे गुफा दे वासी अपने दर ते आईया सारिया संतां दियां झोलियां भरपूर करनियां सारिया संतां दे घर खुशियां दा खेड़ा लैणा सब दे दुख दूर करने सबद दे काय रास करने सर्वण दा भला करना मेरे मालका सर्वण दा भला करना मेरे मालका जकारा पौना हरि दा बोल साचे दरबार की जयकारा पौना हरि जी दा बोल सच्चे दरबार की जय जयकारा दुदा तारी जी दा बोलो सच्चे दरबार की जय सो साडी इन्नी हाजरी इत्थे ही कबूल करदी है बोलदिया बोल वध कट गया किसी दी शान दे खिलाफ बोलिया गया होवे अपने छोटे बच्चे वीर समझ के माफ करना और हमेशा हर खुशी दे मौके ते याद रखना जी सोन लाल सैनी म्यूजिकल ग्रुप